हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेकवे सॉल्यूशन में। आज हम आपको बहुत बड़ी खबर बताने जा रहे हैं जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उन कैंडिडेट के लिए, क्योंकि एसएससी में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि इसी तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप हमसे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा दी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जी हाँ दोस्तों, जो एसएससी में पहले नॉर्मल 25,000 वैकेंसी थी एसएससी जीडी में, अब वो बढ़कर लगभग 45,000 प्लस में हो गई है। क्योंकि दोस्तों पहले जहाँ 25,000 में कॉम्पिटिशन हो रहा था, अब उसका कॉम्पिटिशन मतलब लगभग 20,000 वैकेंसी ऐड कर दी गई है। तो चलिए हम आपको नोटिफिकेशन दिखा देते हैं। यहाँ पर हम एसएससी की मेन वेबसाइट ओपन करते हैं तो यहाँ पर लिखा है कोरिंगडम फर्स्ट, हम इस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारा कुछ यहाँ पर इस टाइप से नोटिफिकेशन डाउनलोड होता है। हम इस पर क्लिक करते हैं और इसको एडिट करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कैंडिडेट मे बी रेफर द नोटिस ऑफ कॉन्स्टेबल जी डी एन सी ए पी एफ एस एस एफ एंड राइफल मैन जी डी इन असम राइफल्स एंड सी ओ पी इन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एग्जामिनेशन 2022। द लिस्ट ऑफ वैकेंसीज एज रिपोर्ट एम एच एट पारा 3 ऑफ द नोटिस मे बी रीड एस। यहाँ पर हम आपको ओवरऑल वैकेंसी बता देते हैं कि बी एस एफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में 20,765, CISF यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल स्पेशल फोर्स में 5,914, CRPF में यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स इसमें 11,169 है, SSB यानी सशस्त्र सीमा बल उसमें 2167, ITBP यानी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस में 1787 है, असम राइफल यानी AR में 3,153 और SSF में 154 पद उपलब्ध हैं। टोटल 43,109 पद हैं। इसके बाद जो NCB है उसमें 175 पद हैं। कुल मिलाकर 45,284 पद उपलब्ध हैं। यहाँ पर ये नोटिफिकेशन 25 नवंबर 2022 को अंडर सेक्रेटरी के द्वारा जारी किया गया है। तो ये था आज का हमारा नोटिफिकेशन। फॉर्म से रिलेटेड आपको और कुछ जानकारी पूछना हो तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।